योगीराज ने सुरक्षित नहीं बेटियां, एक हफ्ते बाद भी नाबालिग किशोरी का नहीं लगा कोई सुराग। एक सप्ताह पूर्व दिन दहाड़े नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर घर से उठा ले गए गैर समुदाय के लोग, दबंग लोग। विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ परिजनों ने दी थी थाने में तहरीर। पुलिस ने 363 में किया मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के एक हफ्ते बाद भी पुलिस प्रशासन नाबालिग लड़की का नहीं लगा पाई पता। पता नहीं लगा पाने से आक्रोशित हिंदूवासी व परिवारजन पहुंचे थाने पर। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित को दिया 3 दिन का समय। बुलंदशहर जिले के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के एक गांव का मामला। योगीराज ने सुरक्षित नहीं बेटियां, एक हफ्ते बाद भी नाबालिग किशोरी का नहीं लगा कोई सुराग। एक सप्ताह पूर्व दिन दहाड़े नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर घर से उठा ले गए गैर समुदाय के लोग, दबंग लोग। कौन लड़का है, क्या विशेष मामला समुदाय के लोगों के खिलाफ परिजनों ने दी थी थाने में तहरीर। पुलिस ने 363 में किया मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के एक हफ्ते बाद भी पुलिस प्रशासन नाबालिग लड़की का नहीं लगा पाई पता। पता नहीं लगा पाने से आक्रोशित हिंदूवासी व परिवारजन पहुंचे थाने पर। क्या अब क्या पुलिस चाहती हैं, अब क्या प्रशासन लगा है ने आपको पीड़ित कार्रवाई को करनी दिया 3 दिन का समय। बुलंदशहर जिले के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के एक गांव का मामला। योगीराज ने सुरक्षित नहीं बेटियां, एक हफ्ते बाद भी नाबालिग किशोरी का नहीं लगा कोई सुराग। एक सप्ताह पूर्व दिन दहाड़े नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर घर से उठा ले गए गैर समुदाय के लोग, दबंग लोग। विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ परिजनों ने दी थी थाने में तहरीर। पुलिस ने 363 में किया मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के एक हफ्ते बाद भी पुलिस प्रशासन नाबालिग लड़की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।